शास्त्र पुराण से मिलता गर्भ विज्ञान, सुसंस्कार जीवात्मा को कैसे करे आह्वान। अच्छे गर्भाधान संस्कार, दंपति चाहे गर्भाधारण कर, गर्भाधान मंत्र उच्चारण। महावारी के दशवे दिन से महावारी के बीसवे दिन तक देव दर्शन और स्नान आदि, कुमकुम अक्षत जल और हल्दी, पुष्प तिलक श्री फल माला दि, करना गर्भ की पूजा विधि। इंद्र प्रजापति सरस्वती अग्नि देव और विष्णु आदि, आशीर्वाद देव दे सारे, स्वस्थ बीज माँ गर्भ पधारे। पोषण पाए शिशु जो गर्भित, नव माह तक रहे सुरक्षित। हमें ऐसी संतान दो ईश्वर, बल बुद्धि आयु हो बेहतर। कलश दीप का करके स्थापन, देवरन नद शुभ दीप जलावन, मंगल चरण सब मिलके गावन, आशीष देते सब स्नेही जन। गर्भाधान के बाद है माता, कहते हैं सब ज्ञानी ज्ञाता, परिचर्या का पालन करके गर्भ शिशु की रक्षा करना। पौष्टिक सात्विक भोजन करना, योग प्राणायाम कसरत करना, वस्त्र अलंकार रत्न धारण, ग्रह नक्षत्र अनुरूप करना। रुचिकर संगीत करो श्रवण तुम, चित्र रंग अच्छे देखो तुम, शुद्ध हवा मिलती हो जहाँ पर, विहार कर ले माता वहाँ पर। औषध रसीकरण और चलना, घात आघात से सदा संभलना, सूक्ष्म जीवों से गर्भ की रक्षा, सोच समझ के खाना पीना। सुदृढ़ शरीर निर्मल मन हो, तन मन अपना सदा प्रसन्न हो, धर्म कथा और प्रेरक गाथा, नित्य हृदय प्रभु के दर्शन हो। प्रथम मासे हो बीज संयोजन, गर्भ विकास का प्रारंभ होता, शरीर मात का पुष्ट हो जाता, आनंद मुख पर छलक है जाता। द्वितीय मास पंच तत्व है बनता, गर्भ में शिशु की होती है रचना, निर्माण क्रिया में वेग है आता, शिशु आकारित बनने लगता।
पास संस्कार प्रीति का पंच पिंड धीरे से खिलता, आँख कान और हाथ पांव सह सूक्ष्म रूप से दिखने लगता, शिशु हृदय चातुर्थ में बनता, गर्भ जरा सा हिलता डुलता, माता गर्भ का मिलन है होता, गर्भ मात नाभि से जुड़ता। पंच मास पूसवन किया हो, मंत्र उच्चारण की विधि हो, मात पिता जो कुछ भी बोले, गर्भ शिशु प्रतिक्रिया में डोले। षष्ठ मास ओजस है आता, मन बुद्धि का विकास होता, काया कल्प ही होने लगता, शिशु स्वयं संवरने लगता। से सीमंत नयन हो, संस्कार रिवाजों से संपन्न हो, इष्ट देव से करे प्रार्थना, शिशु स्वस्थ व गुण संपन्न हो। अष्ट मास उज आता जाता, थकान महसूस करती माता, बोझ गर्भ का बढ़े जाता, आराम चाहती है अब माता। नवम मास उज स्थिर हो जाता, रक्षा सूत्र है बांधा जाता, पूर्णतः गर्भ विकसित होकर प्रसवोन्मुख पर है आ जाता। गर्भाधान की सारी बातें अच्छी तरह समझ में लाके, परिचर्या का पालन करके स्वस्थ निरोगी शिशु सब पाते। प्राचीन ऋषियों ने खोजा है गर्भ विज्ञान का मूल, इस विज्ञान को अनुसरे वो पाए संतति फूल।